हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू आर MNS प्रेप चैनल डेडिकेटेड टू MNS एस्पिरेंट्स। नाउ मेनी ऑफ आर यू कमेंटिंग अबाउट द SST टॉपिक फॉर MNS एग्जाम। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड एज वेल एज मैंने कुछ वीडियोस आपको ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री पर भी प्रोवाइड की है। एंड सून आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ सेपरेट प्लेलिस्ट सो दैट आपको एक ही जगह पर SST से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो मिल जाएँ। ओके, एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउट फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि जैसे आपको पॉलिटिक्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी सेपरेट पढ़ने की ज़रूरत है क्या, कुछ बच्चे पूछते हैं। तो दैट इज़ नॉट नीड टू यू नो प्रिपेयर सेपरेटली फॉर योर SST लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सिविक्स। आपको सिर्फ कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चंस करने हैं। जैसे इसमें तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं बेसिकली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। जैसे इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ जो आपको क्वेश्चंस है वो मिक्स फॉर्म में करने हैं। ओके, डीप बिल्कुल भी नहीं जाना है, स्पेशली आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सिविक्स में, क्योंकि आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके GK से भी आएंगे, स्टैटिक GK, एंड कुछ क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से आएंगे। तो एज सच आपको एक ही सब्जेक्ट पर फोकस ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ द स्टेट फ्रॉम हिज ऑफिस। तो इनमें से गवर्नर ऑफ स्टेट को कौन रिमूव कर सकता है, ठीक है, स्टेट गवर्नर को। ऑप्शंस आर लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है वो MNS के काफ़ी ईयर से रिपीट हो रहे हैं कि लाइक गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है। तो ये क्वेश्चन एक बार देख के जाना, ठीक है। जैसे आपको जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन अपॉइंट करते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिल्ली वॉज डेजिग्नेटेड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दैट इज NCT। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो दिल्ली है उसको NCT में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें आपके हरियाणा एंड UP और कुछ स्टेट्स के पार्ट्स को भी जोड़ा गया है दिल्ली एज अ कैपिटल रीजन में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू जो दिल्ली है दैट इज़ डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दैट इज़ NCT। ओके, और क्वेश्चन आपके MNS में पूछा गया कि दिल्ली को किस ईयर एज अ नेशनल कैपिटल डिक्लेयर किया, तो दैट इज़ 1911। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का, ये किस का पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑप्शंस आर प्रीएम्बल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल राइट्स में है, DPSP में दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और द फंडामेंटल ड्यूटीज। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ से जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है और DPSP का ये पार्ट 4th में ऐड है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द DPSP दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर। ये जुडिशियल हैं, नॉन जुडिशियल हैं, या फिर ओनली सम प्रोविजंस आर जुडिशियल और नन ऑफ द अबव। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये जो है वो नॉन जुडिशियल है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको कोई राइट्स नहीं है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट वो आपको मानना पड़ेगा, लाइक रोड्स का, वाटर का, ठीक है। और जुडिशियल में आपके आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12-24 है, 12-34 आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट्स के हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉयज द इमरजेंसी पावर। इनमें से कितने टाइप की इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉय करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑप्शंस आर 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स और 5 टाइप्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दैट इज 3 टाइप्स। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट कैन इम्प्लीमेंट 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी दैट इज आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। तो आर्टिकल जो 352 है वो है नेशनल इमरजेंसी के लिए, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 फाइनेंस इमरजेंसी, जो अभी तक इंडिया के अंदर नहीं इम्प्लीमेंट की गई है। तो 3 टाइप की इमरजेंसी है, ये आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं, क्योंकि तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और मेनली इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये तीन ही इमरजेंसीज हैं, इसलिए आपको याद रखना है 352, 356 एंड 360। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6,
Which of the following appointments is not made by the President of India? इनमें से कौन सी अपॉइंटमेंट है जो President of India नहीं अपॉइंट करते? Options are Speaker of Lok Sabha, CJI that is Chief Justice of India and Chief of Army Staff or Chief of Army. So the correct answer for this question is option A, that is the Speaker of Lok Sabha. Speaker of Lok Sabha is not appointed by the President of India. जो Speaker of Lok Sabha है that is elected by the elected members of the Parliament of Lok Sabha. ठीक है, Lok Sabha के जो elected members हैं वो appoint करते हैं Speaker of Lok Sabha को. Next is question number 7. The first state to adopt the Panchayati Raj system. इनमें से कौन सा पहला state है जिसने Panchayati Raj system को adopt किया था? All you know, the correct answer is Rajasthan. Option A is the correct answer. Rajasthan का जो Nagaur district है, okay, तो Nagaur district of Rajasthan is the first district to adopt the Panchayati Raj system or state is Rajasthan. Okay, so Nagaur district. Next is the first constitutional amendment was made in the year. ये important question है, first and last तो MNS exam में important ही है और पहला constitutional amendment act तो आपको याद होना चाहिए कि कब आया था. So the correct answer for this question is 1951. Option B is the correct answer, 1951. And पहले इंडिया के अंदर जो general elections है वो कब start हुए थे? 1950 and 1951. So 1915 से 1951 में आपके general elections start हुए थे इंडिया के अंदर. Okay? Next is question number 9. The Indian constitution is. जो Indian constitution है वो आपको पता है एक बहुत यू नो कंसाइज नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ह्यूज कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आपके 448 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं. तो ये एक बल्किस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बल्किस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 10. हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस. इनमें से वाइस प्रेसिडेंट को अपनी ऑफिस में से कौन हटा सकता है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को कौन हटा सकता है? ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट जो वाइस प्रेसिडेंट है दैट इज रिमूव्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के स्पेशली द राज्यसभा, तो वो आपको ये इनके पास राइट्स है कि वो हटा सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को. एंड प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट. जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है उसके थ्रू आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिसेंटली एज ऑफ अक्टूबर 2021, ठीक है, ये चेंजेस हो सकते हैं इन फ्यूचर. तो अक्टूबर 2021 के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो टोटल जजेस के जो नंबर हैं दैट इज 34. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 34 जजेस एट प्रेजेंट इन द इंडियन सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल. इनमें से किस स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है? सो ये आपको याद रखना है, नागा, मेघा एंड मिजो. ये तीन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनमें कोई भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है. नागा, मेघा, मिजो मतलब नागालैंड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मेघालय एंड मिजोरम. क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द ओल्डेस्ट नोन सिस्टम डिजाइंड फॉर द रीएड्रेसल ऑफ द सिटीजन्स ग्रेवियंस. सिटीजन ग्रेवियंस सिटीजन्स के मामले में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट नोन सिस्टम है? सो ये जो सबसे पहले जो आपको पता है ओम्बोड्समेंट जिसे हम बोलते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओम्बोड्समेंट सिस्टम इज द ओल्डेस्ट सिस्टम फॉर लुकिंग टू द मैटर ऑफ द सिविलियन ग्रेवियंस, जिसे हम बोल सकते हैं लोकपाल, ठीक है. और ये जो सिस्टम है वो सबसे पहले स्वीडन में आया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली आपके लोकपाल अपॉइंट किए गए थे कुछ 2-3 साल पहले, ठीक है. पिनाकी चंद्र घोष वॉज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया. एंड लोकायुक्त होते हैं सिमिलर टू लोकपाल इन स्टेट. अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में होते हैं लोकायुक्त. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इनमें से कौन सी कमिटी है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपॉइंट की गई थी जिस कमेटी के थ्रू? ऑप्शंस आर मल्होत्रा कमेटी, राघवन कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी और नरसिम्हा कमेटी. सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दैट इज अपॉइंटेड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्वर्ण सिंह कमेटी. जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. मेंबर ऑफ इलेक्शन
कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं दैट इज अपॉइंटेड बाय ऑफ कोर्स दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. प्रेजेंट टाइम पर आपने अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, प्रेजेंट टाइम पर जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो टोटल मेंबर्स हैं जो हैं 3, जिनमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं. तो प्रेजेंट टाइम पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं दैट इज सुशील चंद्रा. ठीक है, सुशील चंद्रा इज द प्रेजेंट टाइप ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. बाकी जो इलेक्शन कमीशन है वो है एक अनूप चंद्र पांडे एंड सेकेंड वन इज राजीव कुमार. तो राजीव कुमार एंड अनूप चंद्र पांडे इज द प्रेजेंट टाइम ऑफ इलेक्शन कमीशन, वेयर इज चीफ इलेक्शन कमीशन इज सुशील चंद्रा. तो टोटल 3 मेंबर्स होते हैं आपके अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. नेक्स्ट इज करेंटली देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स इन द इलेक्शन कमीशन. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज सी, सॉरी ऑप्शन सी दैट इज 3 मेंबर्स इन इलेक्शन कमीशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन. हु वॉज इंडियाज फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर. इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एंड लास्ट से, तो इनमें से कौन से पहले वुमेन एम्बेसडर हैं इंडिया की तरफ से. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सी वी मुथन वॉज द फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया. सो ये कुछ 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जस्ट टू गेट यू एन आइडिया कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस स्पेशली SST से करने हैं. एंड उसमें भी आपके मैंने पॉलिटिक्स से प्रोवाइड किए हैं, कुछ आपके मैंने ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं. एंड आई होप कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ इन फ्यूचर, बट इससे पहले मैं कोशिश करूँगी कि एक सेपरेट प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँ जो भी मैंने अब तक आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं वीडियोज़ के फॉर्मेट में. ओके, सो दैट यू कैन ईजी टू सर्च दीज वीडियोज़. ओके, सो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, जस्ट टू मोटिवेट अस एंड प्रोवाइड मोर वीडियोज़ टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.